ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त ताबड़तोड़ खबरों का है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी खबरें बता देते हैं। यूपी भाजपा का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज, आपको बताते हैं यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है, कहा है कुंभकर्ण मुझे क्यों जगाया भैया। ये एक तरीके से ट्वीट संवाद दिखाया गया है कुंभकर्ण का। वो कहते हैं कि मुझे क्यों जगाया भैया रावण, यही बताने के लिए कि अपनी सोने की लंका भी अखिलेश भैया ने बनवाई थी। अब इसमें हैशटैग दिया गया है क्रेडिट जीवी। अब जिस तरीके से लगातार हर चीज का श्रेय लेते हैं अखिलेश, ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, उसी पर ये तंज है। उत्तर प्रदेश की सियासत में श्रेय लेने की होड़ लगातार दिखाई देती है, अब यूपी भाजपा ने अखिलेश पर तंज कसा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, मछुआर जाति को उपनाम के आधार पर आरक्षण देने का मामला है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद की मांग पर सरकार कर रही विचार। प्रदेश सरकार ने केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त को भेजा है पत्र। पत्र में संजय निषाद के ज्ञापन को भी अटैच किया गया है। ये बड़ी खबर है। अभी हाल ही में संयुक्त महारैली हुई थी, जहाँ पर आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी थी, और वहां से गृह मंत्री ने आश्वस्त किया था कि आपकी जितनी भी मांगे हैं, आरक्षण वाली मांग भी मानी जाएगी, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। आप उसी से जोड़ करके बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर है, फांसी की सजा वाले चार कैदियों को रिहा करने का मामला है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में मामले की जांच के दिए आदेश। ये बड़ी खबर, फांसी की सजा वाले चार कैदियों को रिहा करने का पूरा मामला, हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते सिर्फ 7 साल तक सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का दिया था आदेश, लेकिन किस आधार पर उनको छोड़ दिया गया जिनको फांसी की सजा दी गई थी, अब इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया है कि 3 हफ्ते के भीतर जांच इसको लेकर होनी चाहिए। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सभी